इन दिनों देश में शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन शादियों के दौरान दुल्हन या दूल्हे का शादी के मंडप से भाग जाना, दोनों पक्षों में विवाद जैसे कई मामले हमें सुनने को मिले हैं। ऐसा ही एक और मामला हरिद्वार से सामने आया है, जहां अपनी शादी में दूल्हे को लड़ाई में कूदना महंगा पड़ गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मामले को बढ़ता देख वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूल्हे सहित दोनों पक्षों के 3 लोगों को शांति भंग करने पर हिरासत में ले लिया और उनका चालान काट दिया। ये पूरा मामला हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र का है। भीमगोड़ा के रामलीला ग्राउंड में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हा प्रिंस यादव, जो कि मूल रूप से हिल बाईपास का निवासी है, उसकी शादी भीमगोड़ा क्षेत्र की रहने वाली स्थानीय युवती से हो रही थी। वधु पक्ष के लोगों ने बारात का स्वागत भी बड़े ही धूमधाम से किया, तभी अचानक वर और वधु पक्ष में डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते शादी में दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी शुरू हो गई। इस बीच दूल्हा भी विवाद के बीच में कूद पड़ा। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें दूल्हा भी शामिल था। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने दूल्हे सहित 3 लोगों पर शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए चालान भी किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में सुलह समझौता हुआ और लड़की की विदाई की गई।